बंगाल के राजभवन के पास इमारत में लगी भीषण आग। एक घायल, दमकल के 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। आपको बता दें, कोलकाता के राजभवन के पास शराब भवन में आज सुबह भीषण आग लग गई। शराब भवन के सबसे ऊपरी मंजिल में आग लगी। जानकारी के मुताबिक ये आग बैंक के कैंटीन से लगी थी। वहीं इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के मिलते ही दमकल की 9 गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर रवाना हुई। उन्होंने कुछ ही समय बाद और कड़ी मुशक्कत से आग पर काबू पा लिया है। आग का जायजा लेने के लिए राज्यपाल डॉक्टर सी वी आनंद बोस अपने सरकारी आवास से बाहर आए। डलौजी इलाके की स्थित शराब भवन के सुबह 10:05 में भीषण आग लगी थी। हालांकि अभी तक आग लगने का असल कारण का पता नहीं चल पाया है। अधिकारी ने कहा है कि हमने एहतियातन पूरी इमारत को खाली करवा लिया है। वहीं घटनास्थल पर मौजूद राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने कहा कि मैं अग्निशमन दल के उन जवानों को बधाई देता हूं जिन्होंने स्थिति को डटकर सामना किया और बहुत ही कम समय में बहुत ही पेशेवर तरीके से आग पर काबू पा लिया। हालात का जायजा लेने के लिए वज़ीराला ममता बनर्जी भी पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। आइए देखते हैं आगे की खबर। व्हाट वी कॉल बंगालियाना, व्हेन देयर इज अ क्राइसिस एवरीबॉडी कम्स टुगेदर, हेल्प्स ईच अदर, दैट इज अ लेसन व्हिच आई लर्नड फ्रॉम हियर। थैंक्स टू द पीपल ऑफ बंगाल हु एक्सप्रेस दिस बंगालियाना इन नो अनमिस्टेकन टर्म्स इन एन आवर ऑफ क्राइसिस लाइक दिस। This is a source of inspiration for all. Thank you. They are the heroes of the hour. They are the persons who saved a situation. They deserve all kudos. They are brave. They are professional. They are selfless. And they did their duty well. That is so great. And we all congratulate them. We are one with them.